सिंह माता की सवारी की पूजा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि दिवाली से 11 दिन पहले। मेरा नाम राजन कुमार है और मैं श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट का मुख्य न्यासी हूँ। और यहाँ पे करवा चौथ का कल व्रत है, तो करवा चौथ के पूर्व में जो हमारी महिलाएं हैं उनको बहुत जाना पड़ता है बाज़ार में, वहाँ लाइन लगनी पड़ती है और आज के दिन क्या है कि रेट भी उनका अनाप शनाप होता है। तो हम लोग ये सेक्टर के लोगों को एक सुविधा देते हैं हर साल, ये लगभग पिछले 5 साल से हो रहा है और इनको मेहंदी लगाने का यहाँ पे जो निःशुल्क रहता है पूरा। ये किसी संस्था द्वारा लगवाया जाता है ये? यस, आपका मेहंदी वाला कार्यक्रम जी श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट। सर मैं देखता था कि मार्केट में जाके महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी, एक तो लंबी लंबी लाइन है, फिर वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पे वो अनाप शनाप रेट मांगते हैं, जैसे जैसे भीड़ उनके पास बढ़ती है तो वो लोग अपना रेट हमेशा बढ़ाते रहते हैं। उस चीज़ को देखते हुए कि हमारी महिलाएं हैं, हमारी इनको परेशानी ना हो, और हमारी संस्था भी ज़्यादा महिलाओं पे ही काम करती है, तो हमारी कोशिश यही कि चलो हम लोग ना पूरे शहर को तो नहीं, कम से कम अपने सेक्टर को तो ये सुविधा दें। और ये सुविधा के तहत हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 5 साल से करवा चौथ, राखी और आपको तीज, ये तीनों में हम लोग यहाँ लगाते रहेंगे। निःशुल्क होता है पूरा। ये सेक्टर 55 में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है जिसमें सब अपने खुद गाना गाते हैं खुद, और साथ में सब भोज का भी आयोजन रहता है। समझना मैडम यहाँ पर कहाँ पर आई हैं और किस लिए आई हैं? ये सेक्टर सी ब्लॉक सेक्टर 55 है। ये राजू श्रीवास्तव जी ने यहाँ पे एक फेस्टिवल हमारे लिए रखा हुआ है, करवा चौथ स्पेशल प्रोग्राम मेहंदी के लिए हो रखा है, तो हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने ये सेटअप लगाया। वहाँ बाहर मार्केट में जाओ इधर उधर जाओ तो बहुत भीड़ भड़ाका रहता है, सबको मिलता नहीं है लगाने का और इतना कॉस्ट रहता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इतना इजी और इतना फीजेबल है कि आई लाइक इट। और मैम ये आपका पहला करवा चौथ है? हाँ जी मेरा पहला करवा चौथ है। पति की लंबी उम्र, उनकी खुशी के लिए, इनफैक्ट हमें भी सजने संवरने का मौका मिल जाता है थोड़ा बहुत। मैम आपका नाम? मेरा नाम सीमा भाटी। मैम आज आप कहाँ पे हैं और किस है? मैं सेक्टर 55 सी ब्लॉक में हूँ, जहाँ राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने करवा चौथ के महोत्सव पे लेडीज़ों के लिए निःशुल्क मेहंदी का आयोजन किया है, जो कि बहुत अच्छा है। हमें बहुत मार्केट में बहुत रश होता है इस टाइम, तो यहाँ पे लेडीज़ के लिए बहुत सुविधा राजेंद्र श्रीवास्तव जी ने दी हैं, जिसका हर किसी लेडीज़ को मतलब बेनिफिट लेना चाहिए। मैम आप कितने सालों से लगातार? 4-5 सालों से आ रही हूँ रेगुलर। तो ये निशुल्क बिल्कुल? ओके हाँ जी बिल्कुल निशुल्क। दिखाना पड़ता है आपको रेजिडेंट से? यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ता है कि आप किस ब्लॉक के मेरे बिलोंग करते हो, तो तब आपका मेहंदी का करवा चौथ का महत्व काफ़ी है, क्योंकि इस दिन जो सुहागने औरतें होती हैं मेहंदी लगाती हैं और रेड कपड़े पहनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं ये व्रत। तो इस व्रत को मैंने क्या टाइमिंग रहती है, इसके बारे में बता दीजिए। इस व्रत में सुबह सूर्य उदय होने से पहले जो औरतें हैं सदा सुहागने वाली औरतें, तो वो सरगी लेती हैं, उसके बाद पूरे दिन बिना पानी के व्रत रखती हैं और फिर शाम को चंद्रोदय के समय व्रत खोलती हैं। तो इस व्रत का सब जो हैं लेडीज़ हैं जो शादीशुदा हैं उनके लिए बहुत ही महत्व है, तो राजन श्रीवास्तव जी का हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिन्होंने ये बहुत प्रबंध किया है मेहंदी का, धन्यवाद।
टाइगर बाम लगा लिया ना मैम ने, हाँ उससे हीट क्रिएट होती है ना, उससे इसमें भी नीलगिरी का तेल होगा ना, बहुत तेज कलर आएगा। अरे मुझे तो थोड़ा सा लेके ना क्रीम लेना हाथ में, जस्ट रब कर लो और सो जाओ रात को, फिर भी दर्द ठीक हो सकता है। Thank you.